टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो प्रोफेशन की बारी आएगी तो उसके अंदर सब्जेक्ट भी आ जाएंगे, प्रोफेशन में की आने बारी आएगी तो उसमें सब्जेक्ट भी आ जाएंगे। तो वो आपको, वो तो चार्ट है, चार्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक, तो मैं एक बार जो कर रहे हैं पहले वो लगा लेते हैं, बीच बीच के क्वेश्चन आपके यस सर डिस्ट्रैक्ट कर यस देते सर हैं यस सर और जो मुद्दे की बात होती है वो रह जाती है। तो नहीं, नहीं नेम कुछ एक्टिवेशन का भी करा देते तो। हाँ, नेम एक्टिवेशन बता देता हूँ मैं अभी, इंटर मीन हाँ टाइम ये सर चलेगा। नाम को चलो एक्टिवेट, उनका करा के एक्टिवेशन कर दीजिए, तो सुमित सर का भी हो जाएगा, बाद में एक्टिवेशन हो जाएगा। एक्टिवेट तो आप ही को करना है। तो चैलेंज नंबर और पिनाकल नंबर दोनों एक ही आ जाए तो क्या क्या करना चाहिए? तो बैलेंस करना चाहिए, तो ये तो दोनों चीज एक साथ हो गई। दोनों चीज एक साइज है, पिनाकल और चैलेंज, तो बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस करने का तरीका यह है कि उस नंबर की वाइब्रेशंस को पहचानो और उस नंबर की वाइब्रेशंस को अपने साथ पॉजिटिवली कनेक्ट करो। मैंने क्या बताया था चैलेंज नंबर में आपको? चैलेंज नंबर का मतलब ये कि इस नंबर को आपको अडॉप्ट करना पॉजिटिवली। और पिनाकल नंबर क्या था? पिनाकल नंबर बाई डिफॉल्ट आपको बेनिफिट दे रहा है, तो उसको तो अडॉप्ट करना है आपको अपने बेनिफिट के लिए। और चैलेंज नंबर को आपको चैनलाइज करना है। चैलेंज नंबर इज ए चैनलाइजेशन प्रोसेस। आई थिंक मैंने गलत सॉफ्टवेयर खोल, एक रुपये। आपने इतने सारे चार्ट बताए तो ये कैसे लर्न रहेंगे हमको कि तीन चार चार्ट हो गए? एक तो शेरेडियन का तो हो गया, वो तो तो लास्ट में मैंने किया ना क्लियर लास्ट में, बाकी सारे चार्ट मैंने आपको बताया, सबसे सबके एट्रीब्यूट बताए आपको मैंने। मैंने नेम न्यूमरोलॉजी के नाम के पर्सपेक्टिव के मेथड से मैंने आपको लास्ट में जाके बताया कि ये जो मेथड अडॉप्ट करना है, जो मैंने लास्ट में जाके बताया ना ये आपको। सर लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा मैंने उसका, अरे ये बताया तो था कल परसों लास्ट क्लास में कि कैसे पर मैंने निकालना है नंबर। लास्ट में ज्वाइन किया था अरे सर, आपका ये ने, मेरे को क्लियर ही नहीं है। हाँ तो मैं अभी कर रहा हूँ दोबारा से। ओके वो जो ऐप बोले थे सर, वो ऐप ही उतारना है ना कौन प्ले सा है स्टोर से, टेलर सुमित जी, अपना डिटेल बोलो। एस्ट्रोलॉजी। हाँ, स्टेलर एस्ट्रोलॉजी, कौन सा बोला है? तुलिका स्टेलर STELLAR। सुमित जी, एस अपना डेट ऑफ बर्थ बोलो। 1st December 1965, 1/12/19, 12 1965, समय बोलो। 12:43 आफ्टरनून। सुमित जगह सर 43, 43 43 43 जगह रांची झारखंड। सुमित जी आप तो क्लास में नजर ही नहीं आए कभी। सुमित जी आए थे शुरुआत में, फिर वो साइलेंस मोड चले गए थे। नहीं नहीं, बीच दिखाई में नहीं दो था। चार क्लास में वो नहीं थे। सुमित चलिए जी, इनका ये आ गया चार्ट। ठीक है जी, तो इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे सारे लोग मिलकर। इनकी दशा कौन सी चल रही है? बुध 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 की दशा, शनि की की, बुध की महादशा, शनि की अंतर दशा, दशा। महादशा। इनके कौन कौन से घर सबसे ज्यादा नंबर दे रहे हैं पॉजिटिव? 11, 9, 11, 4। 4, 9, 11, 10, राइट? ठीक है यहां तक? ओके, जी सर यस सर कौन सा प्लैनेट नहीं उठाना? 12, 3, 4, 6, यस 4, 8, 12। 4, 8, 12, ये 8, 12, 4। भाई करेक्ट, कौन सा उठाना है? तो 4, 9, 11 नो वाला पहले देख लेते हैं सर, त्रिकोण वाला। बस
केतु केतु सेकेंडरी रखते हैं, केतु को सेकेंडरी रखते हैं, तो क्या क्या मिला? बुध और केतु। अब ये बात समझ में आई या नहीं आई? आप पहले पहले रुको, किस किस को ये बात समझ में आई, किस किस को ये बात समझ में नहीं आई? तीन चार पांच और ग्यारह का, अब ये हमको नहीं पता ना सर। सर चार पांच ग्यारह क्यों लिया? छह का भी है, छह का भी सर, छह का, छह में भी ठीक है, इट्स ओके, बुध छह में भी ठीक है। फोर नाइन इलेवन है ना इनके तो बेस्ट, फिर नहीं, बुध पांच में ठीक है, ग्यारह में ठीक है, छह में भी ठीक है, बुध बुध चार में भी ठीक है, ठीक है, बुध अच्छे अच्छी जगह पे पोजीशन रहेगा तो बुध ठीक है, बुध इज गुड, दिक्कत नहीं है बुध में, ठीक है। अब ये बात क्या किसको समझ में नहीं आ रही? दीपिका जी आपको समझ में नहीं आ रही है? सर ये आप बोले थे कि जो जो ये प्लेनेट जितना ज्यादा आ रहा है वो तीन घर छोड़ के वो पकड़ना है हमको। मैंने बोला हाँ। चार आठ बारह तो पहले हटा दो वो छोड़, हाँ वो तो क्रॉस। इसके अलावा फिर पकड़ो कहाँ कहाँ अच्छे अच्छे घर पे वो दे रहा है, जैसे गुरु एक और ग्यारह अच्छा है, शुक्र गुरु देता एक और पांच, शुक्र दे रहा था एक और ग्यारह, बुध अच्छा दे रहा था, केतु भी दो दस अच्छा है, लेकिन हमें केतु के नंबर पे बुलाते नहीं, केतु को हमें साइड में रखा है, बाद में देखेंगे केतु की जरूरत पड़ेगी तो सोचेंगे केतु। तो हमें गुरु मिला, बुध मिला, शुक्र मिला, तीन मिल गए बहुत है, केतु को साइड में धर दिया, तीन मिल गए बहुत है प्लान, और क्या चाहिए, चार मिल गए बहुत है, इससे ज्यादा क्या करना है? चंद्रमा मंगल हटा दिया हमने, शनि को छोड़ दिया, बहुत है हमारे को इंटर प्लैनेट मिल गए, इसके ऊपर सेट कर लेके ले जाके हम। अब ये समझ में नहीं आया दीपिका जी आपको? सर थोड़ा आया है कि गुरु लेना है, जो हमने इसलिए फर्स्ट का हमने गुरु लिया है, एंड इसलिए हमने शुक्र भी उसका उपसामित हमने ये ले लिया है फर्स्ट वाला, एंड हमने तीन को हम अवॉइड करते हैं इसलिए हम थ्री में सूर्य हमने नहीं लिया इस टाइम, ठीक। पर सर हमने इसका बुध तो लिया है, बुध में तीन से नहीं लिया, बुध को समझा, बुध ग्यारह में है, छह में है, पांच में है, चार में है, तो हमने वास उठाया बुध। ओके चार बुध ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया हमने, चार चार आठ बारह कैंसिल कर दिए। अच्छा बुरा हाँ। कैसे पता चल रहा है कि अच्छा है या बुरा है एस्ट्रोलॉजी से? हाँ आपको पता है ना, ग्यारहवा भाव अच्छा आता है, बुध के लिए छठा भाव अच्छा है, पांचवा अच्छा है, चौथा अच्छा है, तो तीसरा एक तीसरा भी बुरा नहीं है इतना बुध के लिए, बाकी सारे अच्छे मिल रहे तो हम उठा लिया बुध वहाँ पे। और सर सिक्स में बुध हमने उठा लिया, चंद्र को भी हम लेते नहीं है, इसे हमने कैंसिल कर दिया। नहीं चंद्रमा हमने कैंसिल किया, चंद्रमा बारह में है, छह में है, छह और बारह का चंद्रमा नहीं लेंगे। ओके और सर सेवन का सूर्य भी ले सकते हैं क्या, जो सेवन में सूर्य है? सूर्य सेवन तो ले लेते हैं, लेकिन सूर्य तीन में है, तीन सात आठ बारह, इसे कैंसिल करा दिया हमने, ठीक है। तो नाइन में शनि को भी नहीं लेते हैं, भाव नौ में अकेले में शनि है, तुमने छोड़ दिया, अकेले में एक भी तो है। हाँ जी हाँ जी, छोड़ दिया इसलिए हमने। और केतु को भी हम सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं, केतु का सेकंड प्रायोरिटी इसलिए लगा, केतु दो दस दे रहा, दो दस अच्छा है, लेकिन केतु है, बींग केतु हमने इसको, अगर इसकी जगह केतु की जगह पे मान लो दो दस में शनि होता तो हम ले लेते, राहु और केतु को हम सेकंड पे रखते हैं, राहु केतु को बाद में उठाएंगे, ठीक है। चलो वापस आते हैं सर, तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कौन सा प्लैनेट के लिए कौन सा घर अच्छा होता है, ऑब्वियसली ये तो हमने ये इसी से मार्किंग कर रहे हैं हम। ओके ओके ये जानना होगा। हाँ हमारे पास राइट डाउन करवाया क्या? हमारे पास सुमित खन्ना एस यू एम ई सुमित के एच ए एन एन ए राइट सुमित खन्ना जी, सुमित जी ये सर, ना ये सर न्यूमरोलॉजी बताई जाए इसकी फटाफट क्विकली। टोटल 41 टोटल 46 फिर जल्दी बोल दिए, ये टोटल इनके पास वैसा पहला 27 आएगा ना सुमित का, 27 और 19 है सर, एक खन्ना है ना के एच ए एन ए 19 48 46 हो गया ना, 14 आएगा 46 46 46 है 46 है क्या
एक ही है, 27 फर्स्ट है। एक मिनट, डबल एन ए है क्या? हाँ ठीक है, डबल एन ए तब ठीक है। 46 तो 46 अच्छा है अपने हमें, कोई बुरा नहीं है, लेकिन इनका चेक कर लेते हैं। सुमित खन्ना का 46 आया, 46 एक आया। हमने क्या क्या निकाले थे जरा बताना। मरकरी, जुपिटर, गुरु और क्या था, केतु। केतु ऑप्शनल, मरकरी, मरकरी शुक्र, शुक्र हाँ, प्लस केतु, केतु हाँ, जुपिटर तो नहीं था, था हाँ, गुरु था तो हाँ। अभी एक नंबर आया और एक नंबर हमने नहीं लिया। अच्छा चलो हम यहाँ पे देखते हैं इनके और घर देखते हैं, इनके घर क्या क्या आ रहे हैं कहाँ पे। सूर्य क्या दे रहा है? 7-9 सही है, फर्स्ट लेटर 3 पे ही आ गया सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स सी। सूर्य दे रहा 7-9, शनि 7 में दे रहा 1-12। शनि सूर्य के इनका सम टोटल 1 पे है। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, यहाँ लिख लेते हैं। 1-12-1965 1-12-1965 क्या बना? 1 और 6 ठीक है। 1 and 7 आएगा। ओके जी, ओके ओके जी, ओके जी। 1-12-1965 1 and 7 अभी 1 and 7 इनको बाई डिफॉल्ट मिल रहे हैं। वैसे भी हमें 1 नहीं चाहिए, तो 1 तो हमें चाहिए नहीं, तो हमें ये नहीं चाहिए इसका लव। 7 हमने केतु को लिया था, 7 इनको मिल गया, छोड़ दो केतु मिलेंगे अब। तो सभी मिल रहा है, बहुत अच्छा है। अब एस इनको मिल गया तो गुरु भी लेंगे, बच गया बुध और शुक्र। अगर हम इसको बुध पे ले आए, अगर हम इस नंबर को बुध पे ले आए 5 पे, सम टोटल 5 पे लाना है। एक एन हटा दो हो जाएगा 5, खन्ना का एन हटा दो बस। हाँ हो गया ना सर, वैसे भी डबल एन लगाया हुआ था। एन स्टैंड फॉर 5 हाँ, तो 41 हो गया। एन की जगह पी हटा दो क्योंकि खन्ना हो रहा ना, तो वहां पे तो एन खन्ना जो सरनेम है, क्या उसमें के एच ए डबल एन ए ही आता है? Is that right? मतलब खन्ना का जो by default surname है? Correct sir. खन्ना is like spelled like this surname. हाँ. सुमित का ही डाल दो. S U M E T. सुमित खन्ना. Total 22 आ जाएगा सुमित. क्यों E कितना है? सुमित 22 आ जाएगा. सुमित 22 आ जाएगा. आपने S भी डाला है क्या? नहीं. ऐसे ही डाला. सुमित 22 में आएगा. फिर 22 आ जाएगा वैसे सर, एक मिनट है, 27-9 पे था से। ओके एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे इफ आई राइट इट हियर आई अभी ऐड करो तो 23-5 हो जाएगा, पर 42 हो जाएगा फिर टोटल। ओके ऑल राइट, सो कैन आई राइट लाइक दिस, चार Can I write like this? एक मिनट आप यहाँ पे देखना, S U M E I T सुमित, K H A N N A खन्ना is equal to 23 is equal to 5, then खन्ना का 19 तो टोटल आया 42 is equal to 6, 42 वही मैंने कहा 42 आएगा, ठीक है 42 6, Willy is getting, अच्छा चेक करना इसको, एक रुको, क्या जुपिटर मिल रहा है? यस। क्या बुध मिल रहा है? यस। शुक्र मिल रहा है? यस। केतु मिल रहा है? यस। सूर्य मिल रहा है? यस। तो बहुत बढ़िया नंबर, दिक्कत मेरा क्वेश्चन ये जुपिटर एम ई अपने क्यों लिखा मरकरी वीनस? ये मैंने चेक करने के लिए लिखा है, मैंने लिखा है कि क्या ये मिल रहे हैं। हाँ सारे आ गए, गुरु आ गया, बुध आ गया, शुक्र आ गया, केतु आ गया, सूर्य आ गया। केतु सूर्य तो इनके नाम में आ गया, डेट ऑफ बर्थ में आ गया केतु सूर्य, तो नाम इनको गुरु शुक्र और बुध मिल गया, मिला या नाम में नहीं मिला? हाँ नाम में कुछ तो जवाब दे दो भाई।
हाँ सर मिल गया, सर मिल गया। दीपिका जी आपको ये बात समझ में आया? सर एक मिल रहा है, नाम में कहाँ केतु आ रहा है? केतु सूर्य तो डेट ऑफ बर्थ आ गया ना ऊपर, ड्राइवर कंडक्टर निकालो ना उसका। अच्छा एक तो, अच्छा सूर्य तो उसमें ड्राइवर में आ गया और कंडक्टर में आ रहा है, सात नंबर। ओके जो सूर्य हो गया एंड सिक्स नंबर हो गया, वीनस हो गया, फाइव नंबर हो गया। सर जुपिटर कहाँ आ रहा है? अच्छा ये वन एंड टू ट्वेल्व नहीं, एस में, एस में। अच्छा एस में आ रहा है, ओके हाँ ठीक है सर। प्रैक्टिस करो दीपिका जी, सर नाम को देखते ही पता चलना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर। बट ना आपने, आप जितने भी किया सब पांच और छह पे आते हैं, मतलब अभी तक हमने इतने सब वो किया सबके पांच और छह पे क्यों बैठते हैं? क्यों बहुत सारे अलग किया, आठ पे भी किया सब। एक बात बोलूं जी, इनको दो बार तो पहले ही छह है, आपने एक और छह दे दिया, दो बार छह। हाँ कौन कौन से नंबर में आ रहा है? नहीं एक तो सात, एक छह और एक छह नाम का आ गया, दो हो गए। सर अब मेरा इसमें कंसर्न ये है कि जैसे मान लो, अब जैसे मेरे साथ भी ये हुआ था तो मेरा अनफेवरेबल नंबर सिक्स आता है, बट अगर वही नंबर अगर इसमें आ गया तो फिर वो सही है? कैनेडियन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जब किया था तो उसमें अनफेवरेबल नंबर सिक्स आता है। एस्ट्रोलॉजी सुपरसीड्स एवरीथिंग, ध्यान रखना, एस्ट्रोलॉजी कैनॉट बी डिफीट बाई एनी सब्जेक्ट। The reason is that astrology वो चार्ट है जो आप जन्म से लेके आए हो, जिसको कोई भी चैलेडियन एंड ऑल क्रिएटेड बाई पीपल, ठीक है? ठीक है, उन्होंने अपने अपने चैलेडियन का उन्होंने बनाया। इंडियन की वैसे तो देखा जाए तो भारत से ही सारे नंबर निकल के आए, सब कुछ आया तो, लेकिन उसके अंदर चैलेंज नंबर, पैशन नंबर लोगों ने अपनी अपनी गणना कर करके डाले हुए हैं। चैलेडियन कीरो की थ्योरी से माना जाता है, उन्होंने आके इंडिया में बसे थे तो उन्होंने सीखा था, वैदिक सिस्टम से सीखा था, वो सब अच्छी बात है, बट द कॉम्बिनेशंस दे डिजाइन आर नॉट डिजाइन इन वैदिक, दे डिजाइन द कॉम्बिनेशंस ऑफ चैलेंज नंबर, पैशन नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, ये नंबर वो नंबर। वैदिक से वेरी सिंपल ऑन न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी का चार्ट कैनॉट बी सुपरसीड बाई एनी सब्जेक्ट, इवन वास्तु कैनॉट सुपरसीड एस्ट्रोलॉजी। वास्तु गिव सॉल्यूशंस टू करेक्ट द एस्ट्रोलॉजिकल इंपैक्ट बट इट डू नॉट सुपरसीड द एस्ट्रोलॉजी, ठीक है? हमारी ग्रह की चाल से ही हमारा पूरा वैदिक बना है, क्योंकि इसी की चाल से सारे मुहूर्त निकलते हैं, इसी की चाल से सारे ऋतुएं बनती हैं, इसी की चाल से सारे नक्षत्र हैं, सारे तीज त्योहार इसी की चाल से हैं। इट कांट बी सुपरसीड। इनका शुक्र, एस्ट्रोलॉजी का बता रहा हूं मैं, राजकारक प्लैनेट है, जिसकी एस्ट्रोलॉजी आती है वो देख लेगा। क्या बोला सब, कौन सा प्लैनेट है? शुक्र, इनका शुक्र। हाँ क्या है? राजकारक प्लैनेट, बुध की मां दशा है, बुध की मां दशा है। अब पांच नंबर सुमित देता है, सुमित इस पांच नंबर। अब बात आती है एक्टिवेशन की, एक्टिवेशन कैसे करना है? सर जस्ट फॉर टू अंडरस्टैंड फर्दर, सपोजिंग इफ यू डू एस यू एम डबल ई टी एच, व्हाट हैपेंस देन? क्या बनेगा, नंबर क्या आएगा? वो 51 में चले जाएगा सर, 42 के बजाय। तो 51 में जाएगा 6, बस सुमित का क्या बनेगा? सुमित विल बी 27 प्लस 5, 32. Because SUMEET plus H will become 32 and 19 will go to 51.
32 बनेगा, 32 बनेगा, तो ऐसे कर लो आप, इट्स ओके, यू कैन डू दैट, कर लो, ऐसे कर लो, आपको ऐसा अच्छा लगता तो. नो नो, आई एम जस्ट आस्किंग यू सर, बिकॉज एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आई एम जस्ट आस्किंग यू सर, अल्टीमेट यू विल ओनली गिव द साइड, उसको आप कर सकते हो, यू कैन डू दैट बोथ वेज, यू कैन डू बोथ वेज. 32 पे ले आओ आप इसको, ठीक है, 32 प्लस खाना ऐड कर दो इसमें, राइट, एंड 51 इज अ गुड नंबर, एंड इट्स अ बेटर नंबर देन 42. हां, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो, बिल्कुल सही सर, बिकॉज 5 इज द चाइल्ड एंड 1 इज द फादर. नहीं नहीं, 42 में अदरवाइज कॉम्बिनेशन में जो ना राहु और चंद्रमा की एनर्जी आती है, विच इज नॉट दैट गुड नंबर. 51 इज अ बेटर नंबर, फार बेटर नंबर देन 42. सर मेरा टोटल 24 पे लिया सर आपने, 24 का जो नंबर है उसमें चंद्रमा पहले आता है, हाँ जी, राहु बाद में आता है, 42 पे राहु पहले आता है, करेक्ट सर. एक मिनट ले लूं मैं जी, दो मिनट. तो मेरा जैसे जी ऋतु जैन किया है, तो ऋतु तो 13 से 4 पे आ रहा है सर. आपने 24 पूछा तो मैं 24 बताया, मुझे याद नहीं है ऐसे सर. मैं यही कंफ्यूजन है कि ऋतु जो नेम है वो 13 से 4 पे आ रहा है, फर्स्ट नेम. ओके, तो दिक्कत क्या है? तो सर 13 से 4 फर्स्ट नेम, उससे पहले जी लगाया गया तो वो तो अलग रहेगा ना, ऐड कर दो ना जी उसमें. ऋतु आपका नाम तो 19 है ना, ऋतु पहले आर आई टी यू 19 है, प्लस 20, और ये आपने क्या बनाया था आपका? जी आर आई टी यू ऋतु जे आई एम जैन. हाँ, इसमें क्या टोटल बना आपका? 24. ठीक है, इट्स ओके, इट्स गुड. दिक्कत दिक्कत ये है, ऋतु में 13 आ रहा है, आर आई टी यू. ठीक है, जी लगा के क्या आएगा? तो जी को चिपकाया नहीं मैंने, 13 जो आप एक्टिविटी कर रहे हो ऑकल्ट की, जी के साथ आपको मिल रहा है, इट्स अ गुड नंबर. सब एक मिनट, ऋतु जी ऋतु जैन आपने लिखा है तो टोटल 32 आता है ना जी, आर आई टी डब्ल्यू आई आर जे आई एन एन जो आपने अभी इसमें लिखा हुआ है. नहीं नहीं, ये मैंने पहले चेंज किया था, अभी सर ने जो चेंज किया. हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. तो सर जी तो जैसे आपने अलग रखा हुआ है, वैसे मैं भी तो जी को अलग. हाँ तो अलग रखे, लेकिन नंबर तो ऐड करेंगे ना. नंबर ऐड तो ऋतु में करेंगे ना, नंबर का एडिशन तो ऋतु में ऐड होगा जी को, ऑब्वियसली ऋतु में ऐड होगा जी. ठीक है, ठीक है सर. इनके लिए हाँ. बोल दूं खन्ना जी के लिए? जी बोलिए. आज जो आपने नाम दिया है ना, ये इससे पहले मैं खन्ना जी से बात पूछना था, वो क्या काम करते हैं, बस इतना बता दीजिए खन्ना जी. काम? मैं सबसे बड़ा काम सर, काम ढूंढ रहा हूँ. अच्छा, अभी तक क्या कर रहे थे वो बता दीजिए. चलिए, अभी तक मतलब मैं he is actually working as a social factor and retired. 65 साल की उम्र तो रिटायर्ड ही है, मतलब कितने 65 की नहीं है, 50-55 की. जो कितनी उम्र है सर आपकी? 56. छप्पन. तो यू इज रिटायर्ड, इज लुकिंग फॉर फाइंडिंग सम एक्टिविटीज. देखो एक दो बातें बता दो सब इनके लिए जी. एक तो अभी इस वक्त जो आपको नाम दिया है बहुत अच्छे समय दिया है, फिर ये नाम का क्या प्रभाव होता है, प्रजा की वृद्धि हो, प्रजा मतलब आपका सोशल सर्कल ज्यादा बढ़ेगा, और ये जो आप जो कार्य करेंगे वो चिरकाल तक मतलब बहुत लंबे समय तक टिकेगा. तीन अच्छी बातें हुई है इसमें. ये राजीव जी को धन्यवाद दीजिए, उन्होंने अच्छे समय आज आपका नाम लिया है, और ये जो है आपका जो प्रजा की वृद्धि मतलब जो भी आप पहले करते थे सोशल,
वो काफी बढ़ेगा और ये कम चिरकाल तक मतलब चलता लंबे समय तक टिकेगा, चलता रहेगा। So the name is finally now which is the one Jayavin sir? आपने जो 51 लिया है वो भी अच्छा है। So which is the better out of the two? No, 51 is much better, I think. Okay. Yes. दीपिका जी बोलो आप। It's got put to vote. वो तो अधिकतर योग बना हुआ है इनके सर। Yes. बुधा इतने लोग योग तो बहुत सारी कुंडलियों में मिल जाएगा, पर राहु केतु एक्सेस में भी तो है। शुक्र और शनि साथ है। चलो अब बोलो आप कहाँ गए, ऋतु जी का हैंड, दीपिका जी का हैंड कहाँ गया? हाँ जी सो मच सर, अभी ये वजह से अभी